जय माता दी। तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिंदू धर्म में माता रानियों का देवियों में सर्वोच्च स्थान है। उन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ा वाली आदि नामों से पुकारा जाता है। पूरे भारत में उनके सैकड़ों मंदिर हैं। ज्योतिर्लिंग से भी ज्यादा शक्तिपीठ हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ये त्रिदेव की पत्नियां हैं। इनकी कथा के बारे में पुराणों में अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। देवी पुराण में देवी के रहस्य के बारे में खुलासा होता है। माता रानी के बारे में पूरी जानकारी रखने वाला ही उनका सच्चा भक्त होता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं माँ से जुड़े नामों के पीछे का रहस्य। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। नंबर वन, अंबिका। शिव पुराण के अनुसार उस अविनाशी परब्रह्म यानी कि काल को एक से अनेक होने की इच्छा हुई। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म यानी कि एक अक्षर ब्रह्म। वह परम ब्रह्म कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान सदाशिव हैं। अकेले रहकर अपनी इच्छा से सभी ओर घूमने वाले उस सदाशिव ने अपने ही विग्रह यानी कि शरीर से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतिविधियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र, शस्त्र, शक्ति धारण करती हैं। अकेली होने पर भी वह माया शक्ति से अनेक हो जाती हैं। वह काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है, वह शक्ति जिसे जगदम्बा भी कहते हैं। नंबर टू, देवी दुर्गा। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ, जो रुरु का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गमासुर था। दुर्गमासुर से सभी देवता त्रस्त हो चले थे। उसने इंद्र की नगरी अमरावती को घेर लिया था। देवता शक्ति से हीन हो गए थे, फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। भाग कर वे पर्वतों की गुफाओं में जाकर छिप गए और सहायता के लिए आदि शक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। देवी ने प्रकट होकर देवताओं को निर्भीक होने का आशीर्वाद दिया। एक दूत ने दुर्गमासुर को यह सभी कहानी सुनाई और देवताओं की रक्षक के अवतार लेने की बात कही। उसी समय दुर्गमासुर क्रोधित होकर अपने सभी अस्त्र, शस्त्र और अपनी सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा। घोर युद्ध हुआ और देवी ने दुर्गमा सहित उसकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। तभी से वे देवी दुर्गा कहलाने लगी। नंबर थ्री, कैटभा। पद्म पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में मधु और कैटभ नाम के दोनों भाई हिरण्याक्ष की ओर थे। दुर्गा सप्तशती के अनुसार अंबिका की शक्ति महामाया ने अपने योग बल से दोनों का वध किया था, जिससे वे कैटभा कहलाई। नंबर फोर, काली। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की 4 पत्नियां थी। पहली सती, जिसने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी थी। यही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आई, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। फिर शिव की एक तीसरी पत्नी थी, जिन्हें उमा कहा जाता था। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा गया है। उत्तराखंड में इनका एकमात्र मंदिर है। भगवान शिव की चौथी पत्नी माँ काली हैं। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। काली माता ने ही असुर रक्त बीज का वध किया था। उन्हें 10 महाविद्याओं में से प्रमुख माना जाता है। काली भी देवी अंबा की ही पुत्री हैं। नंबर 5, तुलजा भवानी और चामुंडा माता। देश भर में कई जगह पर माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता की पूजा का प्रचलन है। खासकर यह महाराष्ट्र में अधिक है। दरअसल माता अंबिका ही चंड और मुंड नाम के असुरों का वध करने के कारण चामुंडा कहलाई। तुलजा भवानी माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। मित्रों, अब आप जानना चाहेंगे कि इनको महिषासुर मर्दिनी क्यों कहा जाता है। तो नंबर 6, महिषासुर मर्दिनी। नवदुर्गा में से एक कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही
रंभासुर के पुत्र महिषासुर का वध किया था। उसे ब्रह्मा का वरदान था कि वह स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। उसका वध करने के बाद माता महिषासुर मर्दिनी कहलाई। एक दूसरी कथा के अनुसार जब सभी देवता महिषासुर से युद्ध करने के बाद भी नहीं जीत पाए तो भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए शेर दिया और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया और भयंकर युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। नंबर 7, 10 महाविद्याएं। 10 महाविद्याओं में से कुछ देवी अम्बा हैं, तो कुछ सती या पार्वती हैं, तो कुछ राजा दक्ष की दूसरी पुत्री। हालांकि सभी को माता काली से जोड़कर देखा जाता है। 10 विद्याओं के नाम हैं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। मित्रों, तो ये थे माता रानी के नामों से जुड़े अद्भुत रहस्य। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और दूसरे माता के भक्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसके अलावा हमारे दूसरे रोचक वीडियो देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें।